बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं पटाटो स्नैक्स। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, माशाल्लाह से बहुत आसान करके बताऊंगी, एक लाजवाब रेसिपी तैयार होगी। सबसे पहले हमने आधा किलो आलू लिए, आलू को हमने उबाल के और इसके छिलके उतार लिए। अब इसको एक बाउल में डालेंगे हम। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से आलू हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, ये देखिए अच्छे से मैश कर लिया हमने। अब डेढ़ छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, दो चुटकी अजवाइन, एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच लहसुन पाउडर, एक छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच हमने डाला इसमें चिकन पाउडर। माशाल्लाह से ये मसाले इसमें बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। हसबे ज़रूरत हरा धनिया। अब इसमें 5 चम्मच हम, आधा किलो हमारे पास आलू है और इसमें 5 चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। 5 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर थोड़ा कम लगेगा तो फिर हम 1 चम्मच और डाल देंगे बाद में। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से अच्छे से हमने ये देखिए इसकी डो बना ली है। अब माशाल्लाह से हमने ये थोड़ा सा मिक्सर उठाया, इसे अच्छे से हाथों की मदद से हमने इसको, ये देखिए हाथों की मदद से ही बना सकते हैं। इस तरह हम इसको थोड़ा लंबाई में कर लेंगे। सारे हम इसी तरह बना लेंगे। तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम एक एक इसके अंदर इसमें डालते जाएंगे, आराम आराम से डालते जाएंगे हम इसमें। माशाल्लाह से 5 मिनट हो गए और हमारे अच्छे से, ये देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक गए ये हमारे पटाटो स्नैक्स। अभी हम इसे पलट लेते हैं। 5 मिनट हो गए और हमारे अच्छे से, ये देखिए 5 मिनट के अंदर अंदर बनने वाली रेसिपी है। अच्छे से हमारे पटाटो स्नैक्स तैयार कर लिए, इसी तरह हम सारे बना लेंगे। माशाल्लाह से हमारे बहुत मज़े के पटाटो स्नैक्स तैयार हो गए। ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़े के ये बनते हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरे तरीके से बनाए, बहुत आसान करके बताती हूँ, एक लाजवाब रेसिपी तैयार होती है। माशाल्लाह से अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मायोनीज़ है, हम इसको इस तरह डालेंगे। हमारे पास सादा केचप है, थोड़ा सा हम केचप डाल देंगे इस पर। माशाल्लाह से हमारे बहुत मज़े के पटाटो स्नैक्स तैयार हो गए। ज़बरदस्त रेसिपी है, देखने में भी बहुत खूबसूरत रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरे तरीके से बनाए, बहुत आसान करके बताती हूँ, एक लाजवाब रेसिपी तैयार होती है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमाल में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।